इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। वो एंकर पर्सन के तौर पे काम करते थे, ही वाज अ सीनियर जर्नलिस्ट और मैंने उनके साथ कुछ शोज भी किए हैं और बहुत अच्छा लगा उनके साथ शो अटेंड करके और शो में डिबेट करके। और उनकी आज मैं देख रही थी कि आज न्यूज़ आई कि रोहित जी की आज कोविड की वजह से डेथ हो गई है और हार्ट अटैक भी उनको हुआ था सुबह में, जो कि आप कह सकते हैं कि हार्ट फेलियर होगा या हार्ट अटैक, और उसकी वजह से जो है वो रोहित जी की आज डेथ हो गई है। और आई विश और के खुदा करे कि मे ही सोल रेस्ट इन पीस। और बहुत अफसोस हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे अपना कोई दोस्त चला गया हो, अपना कोई, जाहिर है मैं उनको जानती थी, मैं उनसे उनके साथ तीन चार बार जो है वो डिबेट्स में, जैसे मैंने बताया, मैं गई हूँ। तो एक आपका एक ताल्लुक सा बन जाता है जब आप डिबेट्स में लोगों के साथ बात करते हैं, चाहे आप लड़ ही क्यों ना रहे हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये भी देखकर के बहुत से लोगों ने, जो कि मेजॉरिटी तो खैर इंडिया से ही थे, लेकिन उन्होंने जो है वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं वो रोहित जी की डेथ को, जो कि बड़े अफसोस की बात है। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात तो उन्होंने कभी की हो जो आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों को अच्छी ना लगी हो, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसी बात उनकी कोई देखी नहीं कि उन्होंने कुछ गलत बहुत ज्यादा बोला हो या कुछ, क्योंकि हम लोग तो इंडिया पाकिस्तान डिबेट्स में ही जाया करते थे और ऑब्वियसली वहां पे तो यही हो रहा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाई जा रही होती हैं या फिर ये एक बात होती है कि ये हो गया, वो कर दिया पाकिस्तान ने, और हम बैठ के उस सारी बातों को अपनी तरफ से डिफेंड कर रहे होते हैं पाकिस्तान को। तो जाहिर है हमें तो इस तरह की बातों की आदत होती है और बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इंडियन मीडिया या इंडियन जर्नलिस्ट या हमारे पैनलिस्ट दोस्त जो हैं भारत से, वो कभी कभी हमें ठीक बात भी बता रहे होते हैं और हमें उसको बाहर अलंकार ही करना होता है, लेकिन कभी कभी हमें मान भी जाना चाहिए और उन चीजों को पाकिस्तान को सही भी कर लेना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस बात की बेस पर कि वो कोई या वो किसी के अगेंस्ट बात करते थे या वो किसी गलती की तरफ इशारा करते थे, हो सकता है इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, हो सकता है रोहित जी ने भी कई बार गलत तरीके से क्रिटिसाइज कर दिया हो, चाहे वो पाकिस्तान को करते होंगे या हो सकता है इंडियन मुस्लिम्स को करते होंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि मैंने देखा नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये जरूर मैंने देखा है कि ट्विटर पे बेशुमार ऐसी ट्वीट्स आई हैं जो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि रोहित जी अब हम लोगों में नहीं है। बहुत अफसोस होता है और इस तरह की सोच रखने वालों पर मुझे अफसोस होता है, क्योंकि आप किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकते हैं कि आप ये सोचें कि वो इंसान दुनिया में ही ना रहे। आपने कभी सोचा है कि हो सकता है उनका उनका अपना, जैसे मैंने कहा, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कुछ भी कह सकते थे, कोई भी बात कर सकते थे, आप डिफेंड करें, अगर आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है आप उससे कह दें कि डिनाई कर दें, आप बात करें, आप डिफेंड करें अपने आप को, लेकिन किसी के लिए ये अपने दिल में ये ख्वाहिश रखना कि वो इंसान दुनिया में ही ना रहे, और अगर उस इंसान के साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको चाहे अफसोस करने के आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अफसोस नहीं करना चाहते, मत कीजिए, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप रोहित जी के लिए अफसोस कीजिए, लेकिन कम से कम सेलिब्रेट तो ना कीजिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए और बल्कि उनको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में जो इस तरह की किसी के साथ हादसा हो और वो इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हैं, ना सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जिस तरह से ये कोविड फैला हुआ है और जिस तरह से कोरोना वायरस से लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, लोगों के पास मेडिसिन नहीं है, लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है, तो ये चीज तो किसी के भी साथ हो सकती है। आप जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस वक्त, आप में से भी किसी को हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, हो सकता है मैं 5 मिनट बाद मुझे भी हो जाए कुछ, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग
जो ये बैठ के सेलिब्रेट कर रहे हैं रोहित जी की डेथ को, और बड़ा वहां पे ट्विटर पे शादियाने बजा रहे हैं खुशी के, कल को उनको या उनके किसी ऐसे को जिसको वो प्यार करते हैं उसको नहीं हो जाएगा। इसलिए थोड़े से इंसान बने, कहाँ चली गई है हम लोगों की इंसानियत, क्या हो गया है लोगों को। मुझे तो हैरत होती है देख करके किस तरह की हेट स्पीचेस करते हैं, किस तरह की नहीं, और तो और वीडियोस भी बना के डाल देते हैं किसी के बारे में, कुछ भी कहेंगे, और अपनी बात के लिए इतने इतने अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप एक तो किसी के लिए झूठ बोल रहे हैं, किसी के लिए गलत बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पे लगा रहे हैं कि जी ये देखें, ये तो फलां हैं और ये तो उस एजेंसी के हैं, या ये तो ये हैं, ये तो वो हैं। कुछ तो ऊपर वाले का खौफ करें, ऊपर वाला तो सभी का है ना। आप चाहे उसको किसी भी शक्ल में मानते हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, जो मर्जी आप हैं, लेकिन हर एक का कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट ऊपर वाले का हर रिलीजन में है, और हर रिलीजन ये भी बताता है कि जी आप कोई किसी के लिए बुरा मत सोचें, किसी के लिए बुरा मत बोलें, किसी के लिए इस हद तक मत जाएं कि आप उसके मर जाने के बाद भी आप उसको बुरा भला कह रहे हैं। कुछ तो इंसानियत रहने दें इंसानों के अंदर। बहुत अफसोस है मुझे, सारे ट्वीट्स देख के भी मुझे बहुत अफसोस है, और सबसे बड़ा तो ये कि आज जैसे मैंने रोहित जी की न्यूज़ देखी उससे बहुत दुख हुआ, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। लास्ट शो जो मैंने उनके साथ किया था वो बस उसमें, बल्कि मैं अभी भी घर में ये उस लास्ट शो के मैंने स्क्रीनशॉट एक बना के रखा था, ये कुछ मंथ्स बैक जो है वो मैंने रोहित जी के साथ एक शो किया था, उसमें चीमा साहब भी थे, और मैं आज भी हंसा करती हूँ और बताती थी अपने घर में और अपने दोस्तों को कि चीमा साहब किसी बात के ऊपर कोई कमेंट कर रहे थे, और एज यूजुअल जैसे चीमा साहब बहुत ज्यादा डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, जो उन्हें करना भी चाहिए, बिल्कुल उनका राइट है, तो वो कर रहे थे, और रोहित जी ने कहा कि चीमा साहब आप मुझे बता रहे हैं सही बात या मैं आरजू से पूछूं, और उस पे मैं एज वीडियो यहां पर होता है खत्म, आप यहां से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। ये वीडियो मतलब बड़े दुखी दिल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत हालत मतलब सही नहीं है मेरी, क्योंकि रोहित सरदाना जी को बड़ा दिल से प्यार करता था, मैं समर्थन करता था उनका, दंगल शो बड़ा एक्साइटेड होकर देखता था, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये बहुत शॉकिंग है, आप भी समझ सकते हो। और रोहित सरदाना जी को ये मतलब मेरी दिल से श्रद्धांजलि, मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहित सरदाना जी को लेकर आज ट्विटर में आप देख सकते हो, ट्विटर में रोहित सरदाना जी ही छाए हुए हैं, मतलब ये बड़ा अफसोसजनक वजह है छाए होने की कि उनकी डेथ हो गई है। रोहित सरदाना जी बहुत लोगों के मतलब दिल में बसते थे, बहुत लोग इन्हें फॉलो करते थे, आप देख सकते हो सोशल मीडिया पर इन्हें श्रद्धांजलि देने वाले सभी लोग, यहाँ तक कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर मोदी, CM, ex-CM सभी ने इनको श्रद्धांजलि दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रोहित सरदाना जी मतलब जहाँ भी रहें खुश रहें, लेकिन मैं जब मुझे जब ये खबर मिली तो मैं भगवान से दुआ कर रहा था ये खबर झूठी हो या फेक हो, फेक हो लेकिन क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइज। तो आपने देखा रोहित सरदाना जी की डेथ को कई लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, जो कि इतना दुखद है कि मैं क्या बोलूँ। देश में ऐसे भी अब लोग हैं जो किसी मतलब किसी की मौत को सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो फिर आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ तो दुश्मन भी मर जाए तो भी दुश्मन को भी श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन कई लोग अब किसी की डेथ को भी सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर ये बहुत बहुत मतलब बहुत हीन भावना है किसी दूसरे सोच वाले या किसी दूसरी आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति के लिए। गाइज ये वीडियो करता हूँ खत्म, नहीं है सब मेरे पास ज़्यादा, आप भी श्रद्धांजलि दें, कमेंट बॉक्स में लिखें ओम शांति रोहित सरदाना, आप हमें हमेशा याद रहेंगे।